हेलो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं गूगल फॉर्म के बारे में। गूगल सीट की क्लासेस में हमने डेटा मेनू बार लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। डेटा मेनू के बाद हम बात करेंगे टूल्स में। टूल्स में हमारा है क्रिएट ए न्यू फॉर्म। अब क्रिएट ए न्यू फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके सामने डेटा को फिल करवाना चाहते हैं, आपके पास 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ऐसे लोग हैं जिनसे आपको कुछ रिमार्क्स डेली बेसिस पे लेना होता है या पब्लिकली कुछ रिमार्क्स लेना चाहते हैं। तो पब्लिकली आप गूगल सीट को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल सीट को आप शेयर करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो सारा डेटा है हर कोई देख सकता है, प्रॉब्लम में है। चेंज की जो अथॉरिटी लगा देते हैं, चेंज आपको डेटा देख भी सकता है और चेंज भी कर सकता है। क्योंकि अब चेंज में ऐसा तो ही बोलेंगे कि भाई जो डेटा एंट्री हो चुका है उसको चेंज ना करें, सिर्फ ब्लैंक को ही चेंज करें, ऐसी तो लगा नहीं सकते आप वैलिडेशन। तो हमें जो ऑप्शन आता है वो आता है सीट का। तो यहाँ हम फॉर्म में क्रिएट ए न्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो क्रिएट ए न्यू फॉर्म पे जैसे हम क्लिक करते हैं, एक अलग यहाँ पे एक खुल के आता है फॉर्म का ऑप्शंस। इसमें तीन चीजें हैं, क्वेश्चंस, रिस्पॉन्स एंड सेटिंग। अब क्वेश्चंस में यहाँ पे आता है फॉर्म का नेम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोर्स, टाइटल होता INQ फॉर्म। यहाँ पे हम देते हैं फिल डिटेल्स, तो डिटेल्स में से फिटेल्स होगी का, माफ कीजिएगा, फिल डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर वन में हम यहाँ पे देते हैं नेम। नेम में मल्टीपल चॉइस नहीं है, एक क्या है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। मल्टीपल चॉइस के जगह पे हम यहाँ पे पैराग्राफ कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर करने के बाद ये आपका हो गया। अब इसी एक बार आप कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे जो है सिटी का ऑप्शन भी आ जाएगा कि सिटी। और इसके बाद कोई इमेज वगैरह शो करना चाहते हो भी कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर में और सिटी में आपका शॉर्ट आंसर है सिटी रहेगा, या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप जो है सिलेक्ट कर सके। तो सिटी हमने लिया, उसके बाद वापस हम इसी को कॉपी कर लेंगे या फिर यहाँ से नीचे ऐड भी कर सकते हैं। आप देख रहे हो प्लस का सॉ आइकन है, ऐड क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। तो सिटी के बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा मोबाइल नंबर। मोबाइल और शॉर्ट आंसर ही रहेगा, और रिक्वायर है नहीं यहाँ पे चीजें कर सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वायर है नहीं है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहिए या फिर रिस्पॉन्स वैलिडेशन है, वैलिडेशन में नंबर होना चाहिए, और नंबर में यहाँ आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन, होल नंबर, यहाँ पे इज नंबर। इस नंबर मतलब नंबर ही होगा, टेक्स्ट नहीं डाल पाएगा, एक पर्टिकुलर डालना पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू डाल सकते हैं, हम यहाँ पे होल नंबर डाल दें ताकि डेसिमल प्लेस वगैरह ना डाल सके। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस में, यहाँ पे है हमारा कोर्स। कोर्स अब कोर्स में मल्टीपल चॉइस होगा, मल्टीपल चॉइस, लेकिन मल्टीपल चॉइस में क्या है, रेडियो बटन है तो कोई एक ही कर पाएगा। तो हम चेक बॉक्स लेते हैं। चेक बॉक्स में यहाँ पे ऑप्शन वन हमने यहाँ पे कोर्स डाल दिए कि एक्सेल होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे ऐड किया, इस पे क्लिक करते ऐड हो जाता है। हमने यहाँ पे VVA किया और यहाँ पे ऐड करके हमने यहाँ पे बोला कि भाई GS गूगल सीट लेना चाहते हैं, चेक बॉक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है, अब एक बार देख लेते क्या क्या हो गया। हमने हमने नेम, सिटी, कोर्स, मोबाइल कर लिया। अब हम डेज करना चाहते हैं, तो डेज जो हमारा है
वो यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए डेज, और मल्टीपल चॉइस ही होगा, चेकबॉक्स नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, क्योंकि ऑप्शन वन में यहाँ होना चाहिए एस एस में सैटरडे संडे, और यहाँ पे आना चाहिए मंडे टू फ्राइडे। तो फिर प्लस करते हैं, अब इसमें डेज के बाद हमारा आता है मोड, कि मोड क्या लेना है, तो मोड में यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन, मल्टीपल चॉइस में हाँ ऑनलाइन होगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वीडियो क्लास। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मोबाइल हो गया, ईमेल, ईमेल को भी करना है। तो हमें यहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल, ईमेल में शॉर्ट आंसर, ऑटोमेटिक इसने शॉर्ट आंसर ले लिया। शॉर्ट आंसर में यहाँ आप रिक्वायर है लेना ही पड़ेगा, और इसमें आप अपना रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगा सकते हैं, नंबर नहीं यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट में कंटेन यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करिए, ईमेल होना ही चाहिए। अगर ईमेल नहीं हुआ तो माने कि मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं, क्या होना चाहिए कि प्लीज एंटर ईमेल, तो जैसे गलत ईमेल डालेगा तो उसको एक मैसेज आ जाएगा कि आपने गलत डाला हुआ है। और जो हमने मोबाइल नंबर डाला था ऊपर, मोबाइल नंबर, इसमें नंबर के जगह पे मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर दूंगा, टेक्स्ट में हमें यहाँ पे कंटेन है और लेंथ, हाँ लेंथ हो गया, मैक्सिमम करेक्टर काउंट, मिनिमम करेक्टर काउंट, तो मैक्सिमम करेक्टर काउंट हमने यहाँ पे नंबर 10 कर दिया, कि 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट यही में प्रॉब्लम एक है कि मैं यहाँ पे एक ही वैलिडेशन लगा सकता हूँ, मुझे एक बार और वैलिडेशन लगाना चाहिए था, यहाँ बिटवीन का ऑप्शन नहीं है, और यहाँ मिनिमम मैक्सिमम नहीं, फिर भी 10 से ज्यादा नहीं होगा, 10 से कम तो कर सकता है ना, नहीं मिनिमम करेक्टर 10 कर देता हूँ, तो 10 से कम नहीं होगा, 10 एटलीस्ट होगा। यहाँ ईमेल, उसके बाद हम प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद यहाँ प्लस करते हैं, ईमेल के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पे हम रिमार्क्स कर देते हैं, रिमार्क्स, रिमार्क्स लिखते ही ऑटोमेटिक ये पैराग्राफ इसने रीड कर लिया, तो पैराग्राफ दे सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए मुझे फोटो चाहिए, यहाँ पे फोटो, फोटो में मल्टीपल चॉइस नहीं, यहाँ पे फाइल अपलोड यहाँ दिख रहा है, फाइल अपलोड हो जाएगा, तो ब्राउज बटन, लेट्स रिस्पोंडेड टू अपलोडेड फाइल्स, हम कंटिन्यू कर देते हैं, तो ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा और फाइल ड्राइव में अपलोड हो जाएगा। लाओसेफिक फाइल टाइप बोले हाँ कौन, हमने बोला जस्ट इमेज, हम इमेज को ही अलाउ कर रहे हैं, इमेज से ज्यादा ना। अब फॉर्म मेरा यहाँ पे बन चुका है, अब इसमें फॉर्म के ऊपर यहाँ पे ये आपके इंपोर्ट क्वेश्चंस, किसी और फॉर्म से इंपोर्ट करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई टाइटल वगैरह ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर टाइटल ऐड कर रखा, टाइटल ऐड कर सकते हैं, कोई पिक्चर इमेज करना चाहते हैं, कोई वीडियोज इमेज करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई सेक्शन, सेक्शन दिख रहे हैं, वन टू सेक्शन, इस तरह का सेक्शन चाहिए वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी डिटेल्स आपको फॉर्म, जो फॉर्म की क्लासेस होगी उस पर हम अच्छे तरीके से बताएंगे। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और इसके लिंक जो बनाना है, माने कि इसको जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी यहाँ डालिए, ताकि एक लिंक को जनरेट कर देगा, iptdelhi123@gmail.com। और यहाँ पे हम इसको सेंड कर देते हैं, सेंड होने के बाद अब देखेंगे इस यहाँ पे रिस्पॉन्स का सारा ऑटोमेटिक एडिंग बन गया हुआ है।
और जो लिंक है, ये लिंक जो है, जो मेल आईडी आपने शेयर किया है उस पे आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए आ गया कोर्स इंक्वायरी फॉर्म, फिल आउट दिस फॉर्म पे क्लिक करने के बाद फॉर्म कुछ इस तरह से खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे आप जो डेटा एंट्री करेंगे वो हमारे सीट फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपना डालता हूँ, एक एग्जाम्पल एक डालता हूँ, हम यहाँ पे डालते हैं पूजा सिटी में पटना, मोबाइल नंबर मैं अपना ही डाल देता हूँ 8802579388। इसके बाद कोर्स का कौन कौन से करना है वो क्लिक कर दिया, और मुझे नहीं चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, ईमेल आईडी हमने अपना डाल दिया, रिमार्क्स कुछ ही डाल दीजिए, और यहाँ से अपनी फोटो ऐड करना होगा। जो फोटो आप ऐड करना चाहते हैं वो फोटो सेलेक्ट कीजिए, जैसे ये है इनका एक हमने ऐड करके अपलोड कर दिया। और इसको हम फिर सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो गया। अब इसको क्लोज करते, सबमिट होते हैं दो चीजें होगी, एक तो मेल पे मुझे नोटिफिकेशन आएगा किसी ने फॉर्म फिल किया है, उसके अलावा आपकी जो सीट फॉर्म थी उस पे जाकर देखेंगे तो डेटा एंट्री हो गई। तो ये सीट फॉर्म सबको भेज दीजिए, जिसको भी भेजिएगा सबके पास सीट फॉर्म वहां पे मिल जाएगा और डेटा एक वन बाय वन एंट्री करता चला जाएगा।